बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इस वक्त वादी हिनान में हूँ और यहाँ पे कुछ पुराने सिंधी बोलने वाले हैं जो यहाँ पे रहते हैं तकरीबन 50-60 सालों के। उनके छोटे से बाग हैं, अभी नहीं निकला, अब उनसे इंटरव्यू लेते हैं। ये हाजी कमाल है, जो मैंने दिखाया था मदीने में भी, मुझसे मुलाकात हुई थी उनसे। ये हमारे बहुत पहचाने वाले हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह। भाई साहब, ये भाई साहब, शाह ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा उर्दू में बोले, कोशिश करो। तो ये कौन सी खजूर है? ये कलमे वाली। कलमे वाली है, माशाल्लाह इसके निकल आए, ये भी फूल निकलने वाले हैं और ये तैयार है। और इसको आप क्या देते हो यहाँ पे, खाद कौन सी देते हो? खाद बकरी वाला खाद देते हो। ये वैसे यहाँ पे कंपोस्ट नहीं इस्तेमाल करते, ये बकरी का जो होता है वेस्टेज वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इनके पास बकरियाँ हैं, ऊँट भी है और दूसरे जो एनिमल होते हैं। यहाँ पे भैंस और गाय नहीं है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अच्छा, कितना माल देती है? दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा माल होता है। 30 देते हैं, 30 किलो। 30 किलो देता है, 40 देते हैं, ऐसे बड़ा ये दो मण भी देते हैं। दो मण भी देते हैं। जो उसको खिदमत करो अच्छा है। मदीने के करीब है। अच्छा, ये अजवा कौन सी है? अजवा ये आइए आ गया, आ जाओ। यहाँ पानी की बहुत कमी है, उन्होंने ये लगाए हुए हैं पानी के सप्लाई के लिए। ये पाइप फिट किए हुए हैं, ये वैसे ऐसे समझिए ये ड्रिप सिस्टम है इनका लगा हुआ। ये उन्होंने ये ड्रिप सिस्टम पे रखते हैं तभी ये, क्योंकि इनका पानी पैसे पे आता है, बाहर से लेके आते हैं पैसों से। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये अजवा है, माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये अजवा है। और यहाँ पे ऐसे समझिए ये पहाड़ों के बीच में ये जितने भी खजूर होती है ये इस यहाँ पे ये तैयार हो जाती है। आप इसको नर देते हो? हाँ, नर है। नर देते हो? कितने नर देते हो कि एक चपड़ी को कितने होते हैं? 5-6 दाने। 5-6 दाने देते हो आप? 5-6 दाने देते हैं ये, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अभी जैसे कि सिंध में, पाकिस्तान में भी ये हो गई है कामयाबी से, पहले नहीं होती थी, लेकिन इसको गिराना, ये अभी इसको तकरीबन ये अजवा यहाँ की टॉप क्लास की जो जिंस है ये वहाँ, हाँ ये अभी इसको नर दिया जाएगा और नर दे दिया है। ये अजवा है, अभी ये इसको सिंधी में चपड़ी कहते हैं, ये फट गया है, अब इसको नर भी दे दिया है। पान फाड़बो केतिरो टाइम लॻंदो पचण में? बस महीनो खनि, रमज़ान खे तयारु, रमज़ान खां पोइ तयारु थींदा। तयारु थींदा, माशाल्लाह। का अगरि जीअं हूंदी न रमज़ान अची वेंदी तयारु थी, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये कौन सी है? सरिया जी, सारी अजवा है यहाँ पे। देखिए बागात, देखे ना पीछे भी बागात है, लेकिन हम यहाँ से उतार के करीब बैठे हुए थे तो ये दिखा रहा हूँ आपको। अभी कुछ टाइम है, ये देखिए मेमनियाँ पड़ी हुई हैं ऐसे बकरियों की, आप एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैं आप यकीन आपको हैरान होगी। हमारे यहाँ बहुत बड़ी हो जाती है तो अभी, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये इसने अभी बाल थोड़ा शुरू कर दिया है। देखिए छोटी सी है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है और जो होती है पानी की इनको सख्ती है। खजूर तो वैसे भी
सख्ती भी अच्छी होती है। ये बच्चे हैं इसके, माशाल्लाह तबारकल्ला। अगर ये ये कह रहे हैं कि एक दो पौधे थे आप ले जाओ, हम आपको देते, बड़ी इनकी मेहरबानी, इन्हें पहले दिए थे किसी से। हाई साहब ही फाटी पी दो नर को ना, हाँ ये फाटी। अच्छा नर अगे अलग का है ना, नर अलग लगा हुआ है? हाँ नर वो रखा वो खड़ी है बाहर। अच्छा वो बाहर से लेके आते हैं इसको हस्बेंड्री कराने के लिए, ये इसकी ज़रूरी होती है। ये अगर आप कहीं पे भी आप देखेंगे तो इसको नर माशाल्लाह। ये सारी फिर वो कल भी है। ये भी इसको भी नर नहीं आया अभी, ये आ जाएगा। ये कलमी है माशाल्लाह तबारकल्ला। ये कई साल पहले सिंध से आ गए थे सऊदी अरब, अब तो इनके अपने बच्चे भी वहाँ बड़े हो गए। और ये उम्र रदी, इनकी ज़बान जो सिंधी ज़बान है वो भी खासी अरबी से मिलती है। काफ़ी अल्फाज आते हैं ऐसे जो सिंधी वाले ख़त्म हो चुके हैं अरबी, लेकिन कुछ इनमें बचाई हुई है कि ज़बान ये समझ में आ जाए। वरना हम हरी ये पौध से दूर थे। माशाल्लाह तबारकल्ला बाग भी अच्छा है। अभी हम थोड़ा सा घूमने आए यहाँ पे बेर भी हैं। ये खजूर है माशाल्लाह। ये अभी मैं देखता हूँ, ये बंदा इसको स्पिन दिखा रहा है और नर दे रहा है, उससे बात भी करवाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। चलो खुशी नर पर ही जी इतने मुखे दिखा रहे हैं तो नहीं नर। ये देखिए इसमें कह रहे हैं माशाल्लाह तबारकल्ला माशाल्लाह। ये कड़ी जिनस है, जिनस कड़ी है क्या? जिनस कड़ी है, जिनस वैरायटी अजवा सफावी है। ये देखिए इसका पैटर्न देने का, अभी बच्चा इसमें दे दिया बीच में माशाल्लाह तबारकल्ला। उसको भी दे दिया है, सफाई भी इसकी करनी पड़ेगी। अब ये जैसे जैसे खुलती जाएंगी ये इसको तो हम मदीने में हैं और ये मदीने नर दे रहे हैं खजूर को। नर कितना खड़ी है भाई? नर ले लिया खजूर का है, वहां से लेके आयो? हाँ जी सूख में। ठीक है ठीक है, जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्ला। बहुत अच्छा फन है ये, आपने देख लिया ये कैसे कर रहा है। ये यहाँ पे बच्चे बड़े हुए और उनके अपने बाग है।
अलग करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये करीब करके ये अलग कर दिया, अब काट दिया। अब ये साफ हो गया, अब इसमें से धुआं निकालेगा। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये तकरीबन 4-5 बीच में दे रहा है। अच्छा माशाल्लाह तबारकल्लाह, इसका पैटर्न बहुत अच्छा है। देखो इससे क्या होगा, बनाने से इससे निकलेगा नहीं बीज, और ये इस घस में जो कि सही होगी। माशाल्लाह तबारकल्लाह, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त बस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। ये सारू में जो काम कर रहा है, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाल्लाह, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम है, माशाल्लाह ये अब्दुल हकीम है, और इसको ये काम कर रहा है माशाल्लाह। कितने टाइम से काम कर रहे हो? कितने टाइम से काम कर रहे हो? छोटे से थे? हाँ जी, एक साल हो गया। एक साल हो गया जी। अच्छा काम कर रहे थे माशाल्लाह तबारकल्लाह, ज़बरदस्त, खुशी हुई आपसे मिलकर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह तबारकल्लाह, ठीक है बागात से देखिए। तो आपने देखा बाग भी दिखाया मैंने आपको, पाकिस्तान में मेरा डिश तो मत दिया, उन्होंने मेरा दिखाया के बाद के ये परेशान है बस आस्ते मार कर दे बोतल ढाई तीस सौ की है। इन्हें जी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये घर भी बहुत अच्छा फायदा हुआ इनको। अगले चैन दिखाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। क्या मात बस सही है, अगले बारी क्यों तो ये मुर्गी आए देसी मुर्गी, इन्हें के कार है ये मुर्गी अंदर भुए ये।